और बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरुषि हत्याकांड पर बनी फिल्म रहस्य को हरी झंडी दिखा दी है। फिल्म अब इस शुक्रवार रिलीज होगी। आरुषि हत्याकांड की गुत्थी पर बनी फिल्म रहस्य को बॉम्बे हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। कोर्ट ने कहा कि रहस्य आरुषि की हत्या के रहस्य को बयान नहीं करती, लिहाजा फिल्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती। फिल्म के लेखक और निर्देशक मनीष गुप्ता ने राहत की सांस लेते हुए बताया कि वो करोड़ों के नुकसान से बच गए। जो स्टूडियो है वाईकॉम 18 जो बैक कर रहा है, सबका ही बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि एक फिल्म की पब्लिसिटी में करोड़ों रुपए लगे होते हैं। तो हमारी पब्लिसिटी तो कई बार चालू हुई, बंद हुई, चालू हुई, बंद हुई, फिर पूरी तरह से बंद हो गई और फिर अचानक चालू हुई, तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि रहस्य फिल्म की कहानी और जो आरुषि मर्डर केस है, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है, कोई इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, इस करके किसी स्टे ऑर्डर का बेसिस नहीं बनता। आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से ये कहते हुए फिल्म पर रोक की मांग की थी कि मामला अदालत में विचाराधीन है और रिलीज से केस पर प्रभाव पड़ सकता है। सुनील पारस, के मेनन, आशीष विद्यार्थी और टिस्का चोपड़ा अभिनीत रहस्य इस शुक्रवार को डिस्क्लेमर के साथ रिलीज होगी। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। आईपीएल फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि टायर कंपनी एमआरएफ इस टीम को खरीदने के लिए तैयार है। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से मिली हिदायत के बाद ये खबर सामने आई है। असल में कोर्ट ने श्रीनिवासन को आईपीएल टीम या बीसीसीआई में से एक चुनने को कहा था। जब तक